के लिए काम आता है, ऊपर और नीचे के लिए ये अलग अलग तरह का। तो तीन अलग अलग तरह के कागज को हम प्रयोग करते हैं। जोर से तो इससे तेज तो कोई झटका नहीं देगा, नॉर्मल सा बात है। जोर से तेज ऐसे हम नहीं छोड़ते। अब वापस आप इसको खोल करके जो है देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूँ शुभम कुमार। आज हमारे साथ शरद कुमार जी मौजूद हैं और आपको बता दें कि वो केले के रेशे से मास्क बना रहे हैं। तो हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और भी क्या कुछ, कितना लागत लग रहा है इस मास्क बनाने में और कब से ये बना रहे हैं। सर नमस्कार। N95 मास्क और इस मास्क में क्या फ़र्क है, सबसे पहले ये बताएं। देखिए N95 सबसे पहला है कि उसका जो मटेरियल जो उसमें प्रयोग में लाया जाता है वो एक केमिकल है, जैसे जो भी पॉलीमर मास्क है, और ये पूरा तरह से ऑर्गेनिक है। क्योंकि आप जानते हैं कि केला जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ है कि वो एंटीबैक्टीरियल भी है, और जो उसका रेशा केले के तने से जो जूस निकलता है वो प्रमाणित है कि वो बेस्ट एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी माइक्रोबियल भी कहा गया है, और थोड़ा वेदर रेसिस्टेंस भी है। और इस कागज़ की जो मजबूती है, और जब हमने इसको प्रोसेस करते हुए इतना कारगर बनाया कि इसको आप धो के और वो कर सकते हैं, तो और एक और खासियत इसकी ये है कि इसका जो पल्वराइजेशन का प्रोसेस होता है, जो कुकिंग से होके गुजरता है, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का को इस्तेमाल में लाया जा सकता है, और इससे तैयार उस हाथ कागज़ के द्वारा जब हम वो मास्क बनाते हैं तो इस पे कोविड को नहीं ठहरने मात्र की संभावना है। जबकि ये प्रूव हो चुका है कि पॉलीमर मास्क जो भी है उसके आउटर सरफेस पे 7 से 8 दिन तक रह सकता है। तो जब ये प्रमाणित है कि 7 से 8 दिन तक रह सकता है, तो मेरा अनुभव और मेरा ऑब्जर्वेशन जो भी है वो ये कहता है कि वो कहीं से भी सुरक्षित नहीं है, खास करके ये कोविड और कोरोना के मामले में। अच्छा, कैसे ख्याल आया आपको कि इस तरह का मास्क बनाना चाहिए? देखिए अगर मेरा व्यक्तिगत अगर ये होगा तो ये पॉलीमर मास्क मैं तो नहीं पहन पाऊँगा। अगर 2 मिनट के लिए कोई मजबूरी में दे दे पहनने के लिए तो ठीक है, मैं पहन सकता हूँ, लेकिन बहुत लंबे समय तक तो मैं नहीं पहन पाऊँगा बेशक। और जब कपड़े से बनाया या कोई ऐसा मास्क हम लेते हैं तो उसमें है कि एक देखना पड़ता है कि क्या वो उतना सुरक्षित है कि नहीं, क्योंकि कपड़े से अगर बनाएंगे तो 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर और इस तरह का कम से कम हमको लेके चलना होता है, कारण है कि उसमें वो इस तरह का। लेकिन ये कागज़ जो है ये इसका जो सेल्यूलोज आपस में इतना स्ट्रांगली इसको बाइंड करता है कि वायरस को अंदर ये भी नहीं आने देगा। जैसे हमने इसको पूरा लॉक कर लिया, बेशक ये पतला है, आप देख सकते हैं अगर हम ये इस तरह से, तो ये ब्लो करता है, एक्सपेंड करता है, फिर अपने जगह पे आता है, तो इतना आसानी से जो है इसको पार नहीं पाएगा। तो फिर भी इसको हम 2 लेयर में करके रखेंगे मिनिमम, जो है 2 लेयर, और जो फिल्टर्ड हमारा है वो जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम 3 लेयर में करके, हमने 2-3 ऑप्शन से इस मास्क को तैयार किया है। तो अभी आप सिंगल लेयर ही बना रहे हैं मास्क जो? नहीं नहीं, हमने बहुत सारे मास्क बनाए हैं जो ट्रिपल लेयर में थे। अच्छा, वो सब जिनको भी जो भी देखते गए वो लेते गए इस तरह का। एक हम आपको वो बना के भी दिखा देंगे कि उस तरह का है, और थोड़ा सा कागज़ का भी प्रोसेस हम आपको बता देंगे कि कागज़ हम कैसे वो तैयार करें। अच्छा, क्या कुछ खर्च आता है एक मास्क बनाने में? देखिए अगर हमारे पास में बिल्कुल व्यवस्था हो और हर लोगों तक पहुंचाने का अगर उस तरह का अगर कोई ये हो, तो मुझे लग रहा है कि कम से कम दुनिया का सबसे कम कीमत पे ये मास्क तैयार कर पाएंगे हम लोग, और मुश्किल से 6 से 7 रुपये या 8 रुपये तक आप लेके चलें, 10 रुपये से नीचे ही आएगा, चाहे वो ट्रिपल लेयर मास्क भी हो या ये भी हो इस तरह का भी। अच्छा, तो अभी तक आपने किन किन लोगों को मास्क अवेलेबल करवाया? अभी अलग अलग तरह के लोग आते रहे, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी है, कोई भी सब्जी वाले आए उनको हमने दिया ये है, या कुछ ज़रूरी सामान लाने हम कभी नीचे जाते हैं, यहाँ तक मेडिकल स्टोर में जिनसे हमने कुछ सामान लाया उनको भी हमने थमाया, तो इस तरह के हैं। अच्छा, जो सक्षम नहीं है उन लोगों को ही दिया जाए? हाँ, अभी बिल्कुल, अभी इसमें कहीं से भी हमने इसको बेचने का प्रयास अभी नहीं किया है, और ये मकसद भी नहीं है,
मकसद भी नहीं है कि इसको ये किया जाए, ये है कि ये लोगों को सबसे पहला बात है कि ये मास्क सुरक्षा दे पाएगा और बहुत आसानी से कंफर्टेबली ये लोग पहन पाएंगे और लोग अपनी आदत में शामिल करें, वो पॉलीमर से बाहर निकलें और इसको आदत में शामिल करें कि हम बिल्कुल जितना भी वैसी चीज़ को अपने प्रयोग में लाएं कि पर्यावरण और आपके खुद के स्वास्थ्य को नुकसान से बचा सकें। अच्छा, एक दिन में कितने मास्क आप बना लेते? देखिए, हमें अगर कहेंगे बनाने के लिए तो अगर मैं सुबह से लेके अगर लग जाऊं तो इतना है कि मैं खुद 200 मास्क तैयार कर दूंगा। 200 तो, लेकिन हाँ, और जो यंग लोग होते हैं उनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल जो एकदम यंग और एनर्जेटिक कह सकते हैं आप, जो 18 साल और उसके आसपास के होंगे तो वो बहुत करेंगे। और अगर मुझे बनाने के लिए दिया जाएगा तो मैं तो लगातार ये बना भी नहीं सकूंगा क्योंकि उसमें नहीं हूँ, लेकिन इतना है कि लोग जो हैं इसको बहुत आराम से 200 से 300 मास्क दिन भर में ये तैयार कर सकते हैं, एक आदमी 500 तक भी तैयार कर सकता है। अच्छा, इस मुहिम की कब से शुरुआत की थी आपने? ये कोरोना, ये लॉकडाउन में ही हुआ है ये। अच्छा। लॉकडाउन से पहले तक तो ये मास्क कभी मेरे दिमाग में भी नहीं आया था, हम सोचे भी नहीं थे कि ये हर दिन हर रोज़ ये मास्क की ज़रूरत पड़ने लग जाएगी लोगों को, ऐसा कभी दिमाग में नहीं था। और दूसरा ये भी था कि ये कोविड को लेकर के एक चिंता का विषय था कि कोविड को, देखिए जब तक कोई मेडिसिन हमारे पास में नहीं है, कोई वो वैक्सीन तैयार नहीं हमारे पास में, हम भी घर में भी हर वो चीज़ आप देख सकते हैं, ये डिटॉल भी है, वो स्पिरिट भी रखा हुआ, ये है कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन थी जैसे आर्निका, मेरे फादर खुद भी डॉक्टर रहे हैं, DHMS भी रहे हैं और एग्रीकल्चर में प्रोफेसर और साइंटिस्ट भी रहे हैं वो, तो हर वो चीज़ को हमने ला के रखा, हमने एक तुलसी का भी वो कॉन्सेंट्रेट ला के रखा था, हमने वो भी ला के रखा था, एक जो एक च्यवनप्राश भी ला के रखा था हमने, तो हर कुछ वो साथ में यही था कि और हम क्या उसमें ये कर सकते हैं, लेकिन बाहर जब निकलेंगे तो हमें क्या चाहिए होगा, अभी तो लॉकडाउन में है तो घर में है, तो जो घर में है वो तो सुरक्षित हैं, है ना, सबसे सुरक्षित है कि आप घर में हैं, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको हर घड़ी आपको मास्क चाहिए होगा, बिल्कुल कम से कम ये पूरा साल तो आपको चाहिए ही, और जितना हम लोग चाहें, और नहीं भी अब कुछ इस तरह का वायरस आने के बाद में अब है कि लोग प्राथमिकता देंगे कि वो बिना मास्क के नहीं निकले, इसको अपने एक नहीं अपने एक पहनाव के एक व्यवस्था के रूप में लेकर के चलेंगे। अच्छा, अभी कितने लोग हैं आपके साथ, ये लास्ट सवाल है। हमारे साथ तो जुड़े हुए बहुत लोग हैं, उसमें आप ये नहीं कह सकते, बहुत लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम कब और कितनी जल्दी उनके बीच में आकर के हम ये करें, और सैकड़ों हजारों लोग आप कह सकते हैं क्योंकि एक डिज़ाइनर के रूप में, एक उसके रूप में, और हम वो करते भी रहे हैं, हम ट्रेनिंग का करीब 2000 से ज़्यादा ग्रुप्स को हमने ट्रेन किया है अभी तक, 2000 लोगों ने 2000 ग्रुप्स को ट्रेन किया है, तो काफ़ी संख्या में लोग हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, शरद कुमार जी से हमने बात किया और इनका सीधे तौर पे ये कहना था कि केले के रेशे से ये मास्क बना रहे हैं, और ऐसे लोग जो असमर्थ हैं, अगर बात कर ली जाए रिक्शे वाले हो गए या ठेले वाले हो गए, क्योंकि उनके पास पैसे की भी काफ़ी कमी होती है, और अगर बाज़ार की बात कर ली जाए तो N95 जो मास्क है वो बाज़ार में 300 से 350 रुपये में मिल रहा है, तो ये उन लोगों के लिए ही ये मास्क बनाया जा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ खूब शेयर करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर ले। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।